हेलो जी, कैसे हैं? मैं गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी क्योंकि वीडियो लेट हो गई है। मेरी ट्रेन लेट हो गई थी और मैं बाहर गई हुई थी, वहाँ से वापस आई हूँ घर। ठीक है, और बात करती हूँ वही मैं, मोटी और आपा जान। कुछ सवाल किए हैं उन्होंने पब्लिक से, उन सवालों का मैं जवाब दूंगी आपा जान को। मैं ये कहूँगी आपा जान, देखिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप सवाल करती हैं, ठीक है, पब्लिक जवाब देती है, और जिस जवाब देने के लिए भी होती है, और देखने के लिए भी होती है, और सही गलत का पहचान करने के लिए भी होती है। आपा जान, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। मैं ये कहती हूँ, आपके यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है शादियाँ करना? आपके यहाँ तो दो तीन शब्दों में औरत को अपने से बेदखल कर देते हैं। कम से कम हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब मोदी जी ने भी एक कानून बना दिया है जो सबके लिए समान है। जब एक देश में एक ही लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो कानून भी सबके लिए एक सही होना चाहिए। नहीं तो आपके यहाँ आज भी उस कानून को लोग नहीं मानते और तीन शब्दों में कह के तलाक 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 रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, दूसरी ला के बैठा लेते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके यहाँ रिश्ता शादी एक क्या कहें, हमारे यहाँ रिश्ता शादी जो होती है एक बंधन होता है, आपके यहाँ जो होती है एक समझौता होता है, तभी आप सिग्नेचर करते हैं निकाहनामा पे, तभी 2 मिनट, तभी आपके यहाँ मेहर बनती है कि अगर ये तलाक देगा, पहले ही वो चीज़ हो जाती है कि अगर ये तलाक देगा तो इतनी मेहर होगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हिंदू में ऐसा नहीं होता। हिंदू में विवाह एक बंधन है, अगर शादीशुदा औरत नहीं चाहेगी तो वो कोर्ट के चक्कर लगा देगी, लेकिन वो तलाक नहीं दे सकता। दोनों की रजामंदी से ही तलाक होता है, दोनों की रजामंदी से ही रिश्ता टूटता है। ठीक है, कसम उठाकर लाओ, कसम उठाकर कहो सायरा जी या अयूब जी के लिए कह रही हैं कि आप मुझसे कहो कसम उठाकर। वो आपके लिए कसम क्यों खाएंगे भाई? वो कसम भी खाएंगे तो वो अपने बच्चों के लिए खाएंगे, अपनी वाइफ के लिए खाएंगे। आपके लिए क्यों खाएंगे कि कसम उठा के आप कहो कि ये क्या गलत है और क्या सही है? आप हमें नमाज पढ़कर दिखाओ सायरा, तब हम मानेंगे कि आप मुसलमान हो। आप हमें वो करके दिखाओ तो हम मानेंगे। क्यों वो आपको करके दिखाएंगी? वो अल्लाह को करके दिखाएंगी, वो भगवान को करके दिखाएंगी, वो खुदा को करके दिखाएंगी। आपसे पर्दा किस बात का जब खुदा से पर्दा नहीं है? आपसे डर किस बात का जब खुदा से डर नहीं है? पर्दा या बात या आदमी अपनी कोई भी बात कहेगा तो ऊपर वाले से रब्ता रखेगा, आपसे क्यों रब्ता रखे? लोग रोज़ा नहीं रखते, कह देते हैं हमारा रोज़ा है। अरे सामने वाले से क्या डरना, दुनियावी आदमी से क्या डरना, दुनिया में लोगों से क्या डरना, जब ऊपर वाले को पता है? ऊपर वाले से तेरा कोई पर्दा नहीं है तो सामने वाले से किस बात का पर्दा? सामने वाले से क्या डरना, वो तुमसे क्यों डरेंगे, तुम्हें क्यों सुनाएंगे? अगर वो नमाज पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगी तो वो खुदा को हाजिर नाजिर करके करेंगी, वो खुदा उनका गवाह है हर बात का, अच्छे और बुरे का। तुम्हें क्यों दिखाएंगे? कौन होती हो तुम? बच्ची भी दिखाई, कह दीजिए वो बच्चे ने भी प्रेशर में झूला झूली साथ में। अयूब ने कहा था घर से निकाल दूंगा, मतलब रखना बंद कर दूंगा अगर झूला नहीं झूली। वाह भाई क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी की खुशी, आदमी जब मिलता है बात करता है, हर चीज़ चेहरे से झलकती है, जो आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। और पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं है, जो आप एक इंसान के अंदर कमियाँ 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 ही निकालती चली जा रही हैं, समझे? और कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का आपको सायरा जी को बुरा कहने का, सायरा जी के अगेंस्ट वीडियो बनाने का आपको भरपूर पैसा मिला है, मोटी को भी पैसा मिला है और आपको भी पैसा मिला है। इतनी शिद्दत से कोई नहीं करता है। मेरी बात आती है मेरी, मैं गलत को गलत और सही को सही कहूँगी। आपने कहा पढ़ के सुनाओ, वो आपको क्यों, आपको वो नमाज क्यों दिखाएंगी पढ़ते हुए? ताकि फिर आप कहोगी कि देखा दिखा रही है, खुदा ने तो कहा है कि आप अकेले में पढ़िए, अब नमाज पढ़ती हुई दिखा रही है। जैसे आपने लंगर को कहा था कि लंगर अगर बांट रही थी तो ये आपने ये बात कही थी कि अरे दिखावा करती है, और जिस दिन बांट दिखाया नहीं तो आपने कह दिया कि झूठ बोलती है। साबित कर रही हो कि अयूब गंदा है। हाँ हम भी कह रहे हैं अयूब सही इंसान नहीं है, हम भी कह रहे हैं इस बात को, मगर वो सायरा सत्तानी जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने उन्हें अपना लिया है दोबारा, वो उनकी अपनी लाइफ है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम उन्हें पसंद करते हैं, बात ख़त्म। आप ये पब्लिक को दिखा रही हो, उनकी ऑडियो सुनवा रही हो, सब जानते हैं वो इंसान गलत है, वो इंसान सही नहीं है, सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं सुनवा रही हो।
ये ऑडियो, एक एक ऑडियो, कुत्ते वाली ऑडियो आपने 10 बार सुना दी होगी कम से कम, कि वो मुझे कुत्ता बना कर रखेगी। आपने एक और कहा था कि मैं इंस्टाग्राम के कपल हैं उनकी ऑडियो सुनवाऊंगी, सुनवाओ ना, चुप हो गई, उसका अब जिक्र भी नहीं करती। और जो दिखा रही थी ना कि देखो मेरे पास इतना मसाला है, ये मसाला तुम 3-3 बार सुना चुकी हो पब्लिक को, इतने दिन से आप जो ये वीडियो बना रही हो, लाइव पे आ रही हो, कुछ नहीं कर रही, यही कर रही हो आप, सुनवा चुकी हो आप सारा जी के लड़के को डेक्स पैडलर कह रही हैं, नशेबाज कह रही हैं, सबूत दिखाइए, ठीक है, सबूत दिखाइए ना, आप तो सबूत के साथ बात करती हैं, वो कहाँ का ड्रग्स पैडलर है, क्या कर कैसे करता है और नशेबाज है, सबूत दिखाइए, आपके पास सबूत होगा ना, दिखाइए सबूत, सबूत के साथ बात करती हैं। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, जानती है पब्लिक, समझती है अच्छी तरह से, समझ के जो सायरा के हैटर्स हैं वही आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इस दुनिया में हर तरीके का इंसान होता है, मैं हूँ, मुझे लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं, मैं समझूँ, मैं सोचूँ कि मुझे सब लोग पसंद करें ऐसा हो नहीं सकता, मैं सोचूँ कि सारे कमेंट्स मेरे पास अच्छे आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबके सोचने का ढंग अलग अलग है और सबका नज़रिया अलग अलग है। अब आप कह रही हैं कि ऑडियो सुना सुना के ना पब्लिक को गुमराह कर रही हैं, समझे, एक बात बताऊँ मैं, ये चीकू केला शर्म नहीं आती तुम्हें, बेटियों की माँ हो आप, आपकी बेटियाँ, आप घर में भी कुंवारी हैं जो आप बता रही थी कि मैं अपनी बेटी से कहती हूँ बेटियाँ मेरी पढ़ के सुनाती हैं, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए, क्या आपकी लाइव आपके बच्चे नहीं देखते होंगे, क्या ये चीकू केला कर रही है, साफ लगता है कि आप अपने घर में इसी तरह की बातें करते हो, आपके घर का माहौल भी ऐसा ही है, आप बहुत अपने आप को वो समझती हो ना कि मैं आपकी आपा हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी ये हूँ, मैं आपकी वो हूँ, जी नहीं, जो भी हैं आप, लेकिन एक आप सही इंसान नहीं है, आप सही लेडी नहीं है, जो भारी भरकम पारिवारिक लेडी होगी इस तरह की बातें उसके मुँह पर नहीं आ सकती। अंजुम को कह रही हो मेरा कहना मानो, अब वो तुम्हारा कहना नहीं मानेगा तो अंजुम तो बहुत बुरा हो जाएगा भाई, बूढ़ी आपा, बूढ़ी औरत फिल्टर लगा के बैठती है, बिना फिल्टर के बैठी हूँ, कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठी हूँ, शर्म नहीं आती तुझे इस तरह की बातें करते करते, समझे, और इंस्टाग्राम के ऑडियंस को, इंस्टाग्राम के लोगों को हिजड़ा बता रही है, शर्म नहीं आती कि इंस्टाग्राम के सारे हिजड़े हैं, अजमाया है कि सबको, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि आप इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाल कैसे लेती हो, आ कैसे आते हैं, जो पढ़ने में सुनने में देखने में बुरे लगते हैं, समझे, कितनी बार सुना चुकी हो एक ही ऑडियो को, इन हिजड़ों से बात क्यों करती हो, इन हिजड़ों से कहती क्यों हो कि आप ऐसा करो वैसा करो, जब आप बता रही हो, समझे, आप अयुब को गलत करने से रोकने वाली कौन होती हो, कह रही हो मैं अयुब को गलत करने से रोक रही हूँ, समझे, और मोटी भी एक ही ऑडियो बार बार सुनाती रहती है, एक ही ऑडियो बार बार सुनाती रहती है, समझे, अगर नहीं करेंगी हाँ में हाँ मोटी आपा की, तो मोटी की लाइफ पे कौन आएगा, मोटी को कौन देखेगा, अगर आपा की हाँ में हाँ नहीं करेगी तो, आपा की हाँ में हाँ में तो करनी है, तुम्हें अगर कुछ कहना है ना सानिया मिर्जा को कहो, और भी बहुत सेलिब्रिटी बड़े बड़े पड़े हैं उन्हें कहो, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उन्हें कहिए, नहीं उन्हें नहीं कहेंगी, फट जाएगी तुम्हारी अच्छी तरह की तरीके से, समझ गए, बैठ जाती हैं दो गंजी औरतें लाइव पे और बकवास करने लगती हैं, ये सोचती हैं जैसा हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पब्लिक तो बेवकूफ़ है सब मान जाएगी, जी नहीं, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, और आजकल की पब्लिक पढ़ी लिखी है, अच्छी तरीके से समझती है, तुम्हारी तरह चार शब्द उर्दू के पढ़ के नहीं बैठे, पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो सब समझती है, कल नहीं आओगी ना, आज के लिए आपने कहा था नहीं आऊँगी ना, सुकून मिलेगा कम से कम सायरा जी को और जो उनके चाहने वाले हैं उन्हें, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर मैं आपको एक मैक नई सुबह के साथ, नई बातों के साथ और नई वीडियो के साथ, वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट, ओके बाय, और मैं अपने घर आ चुकी हूँ, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, ठीक है।